guys, this is Strawberry Garden. I love it here. It's so yummy with yummy fruits. Fresh. I love strawberries, pineapples, raspberries, bananas, and grapes. Hi, and I love mangoes and blueberries and raspberries. Assalamu alaikum. चलें आज हम आपको विजिट कराते हैं जिमल किचन में स्ट्रॉबेरी गार्डन का। ये गार्डन है तमाम फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए। इसमें हमें तमाम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट हर वेदर का अवेलेबल है। मुझे यहाँ की वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इतनी फ्रेश लुक में आती हैं और इतनी फ्रेश होती हैं कि देख के दिल करता है कि बंदा जल्दी से ये बाय कर ले। और यहाँ पे यही नहीं है बल्कि यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हर वेदर की यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक आपको विंटर में समर की वेजिटेबल्स मिल जाएंगी और समर में विंटर की। कोई भी वेजिटेबल ऐसी नहीं है या फ्रूट ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना हो। और हर कम्युनिटी का फ्रूट और वेजिटेबल यहाँ पे अवेलेबल है। और ये है जी उसकी ऑनर स्ट्रॉबेरी गार्डन की। ये मुझे बता रही थी कि उन्होंने ये 41 ईयर पहले ये स्टार्ट किया था और अब तो ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि ये सेंटर में है, टाउन सेंटर के सेंटर में, इसके हार्ट में कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी शॉप है। और इनके यहाँ हर किस्म का फ्रूट और बहुत फ्रेश फ्रूट है इनका। और यहाँ भी सिर्फ हमारी एशियन कम्युनिटी का फ्रूट नहीं है बल्कि हर कम्युनिटी का फ्रूट वेजिटेबल यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखें, ये हैं कितने फ्रेश ग्रीन करेला। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर है लेकिन ये, और ये ओकरा, ये समर का वेजिटेबल्स हैं लेकिन ये हमें विंटर में भी मिल जाती हैं ईजीली। और स्पेशली यहाँ का सरसों का साग, ये कहीं और से नहीं मिलता, सिर्फ इन्हीं से मिलता है। और ये पाकिस्तानी सरसों का साग होता है और इसके साथ साग में डालने के लिए स्पिनिच और बाथू और एवरीथिंग, इसके पूरा का पूरा सेट अवेलेबल है। और ये लेंगे, ये है पाकिस्तानी किन्नो। और ये मैंगोस हैं, ये अफ्रीकन मैंगोस हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तानी मैंगोस भी हैं। ये गुड़ है, हालांकि पाकिस्तान में भी ये इजीली हर शॉप पे अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे ये हमें मिल जाता है। और ये हैं जी मेलन्स। अच्छा, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ से आपको कोई पाकिस्तानी वेजिटेबल्स या फ्रूट मिल जाता है, तो ये देखें यहाँ पे हमें बल्कि पूरी वर्ल्ड का फ्रूट और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। और ये मेलन है। वर्ल्ड से आता है तो हर वर्ल्ड की अपनी।
है कि इन्होंने कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। दूसरी कैरेट्स तो इसीलिए मिल जाती है जो आई थिंक नामीबिया से आती हैं, वो पिंक कलर की कैरेट्स होती हैं, लेकिन रेड कलर की कैरेट्स इन्हीं के पास ही मिलती हैं।